जहाँ मार्केटिंग की किताबों में आपको डेफिनेशन मिलती है आपको फोर पीज ऑफ मार्केटिंग मिलते हैं नीड वांट एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है उन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एस का भी एस स्टैंड फॉर सेगमेंटेशन टी स्टैंड फॉर टारगेटिंग और पी स्टैंड फॉर पोजिशनिंग ये बड़ा बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग लिटरेचर का आपने जितने सॉफ्टवेयर पढ़े जितने हमने सीखे उसमें अगर आपको याद हो तो अक्सर मैं आपको कहता था कि टारगेटिंग अच्छी होनी चाहिए टारगेटिंग अच्छी होनी चाहिए टारगेटिंग से मुराद है कि वो लोग जिनको आपने एक प्रोडक्ट का मैसेज दिखाना है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए लेकिन टारगेटिंग करने से पहले ये हमेशा स्टार्ट होता है सेगमेंटेशन से सेगमेंटेशन क्या चीज़ है सेगमेंटेशन से मुराद ये है कि आप एक बड़ी पॉपुलेशन को छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ये कन्वर्ट आप कैसे कर रहे होते हैं सबसे पहले डेमोग्राफिक्स की बेस पे उसका जेंडर क्या है वो मेल है या फीमेल है इनकम लेवल क्या है घर में कितने लोग रहते हैं फैमिली का साइज ये तमाम चीजें डेमोग्राफिक्स में आती हैं तो सबसे पहले आप देखें डेमोग्राफिक्स मेरी अगर प्रोडक्ट जो है वो यंग लोगों के लिए है तो क्या मैं सेगमेंट के अंदर वो बूढ़े लोग भी डालूंगा हो सकता है मैं डिफरेंट सेगमेंट्स बनाऊं एक सेगमेंट हो जो 15 से 20 साल के लोगों का है दूसरा हो 20 से 30 साल का तीसरा हो 30 से 50 साल का ये जो 30 से 50 साल मैंने कहा है हो सकता है मेरी प्रोडक्ट 30 से 50 साल के लोगों के लिए इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है और फिर फिफ्टी एंड अबव तो डेमोग्राफिक्स बेस पे पहला सेगमेंट सेकंड जो रीज़न या आप जो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं सेगमेंटेशन करने के लिए वो है बिहेवियर की बेस के ऊपर कि बिहेवियर क्या है इन यूजर्स का कहाँ खाना खाते हैं क्या करते हैं ऑनलाइन किस तरीके से डिस्कशन करते हैं प्रोफेशनल हैं स्टूडेंट्स हैं बिहेवियर क्या है उनका और लास्ट के अंदर बेनिफिट्स विच दे आर लुकिंग बेनिफिट्स शॉट कि ये जो सेगमेंट आप बना रहे हैं इसका आपको भी क्या बेनिफिट एज ए कंपनी लेकिन उनको वो पर्टिकुलर सेगमेंट क्या बेनिफिट ढूंढ रहा है उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रोडक्ट के अंदर अब जब आपने सेगमेंट्स बना लिए डिफरेंट अब इससे अगला कॉन्सेप्ट है टारगेटिंग का अब उन सेगमेंट्स में से आपने स्पेसिफिक सेगमेंट निकाले जिनको टारगेट करना है और जो टारगेटिंग आप करते हैं उन सेगमेंट्स की वो किस बेस पे करते हैं नंबर वन कंपटीशन की बेस पे आप देखते हैं कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर आपका कंपटीशन कितना है हो सकता है कि आ, बीस से पच्चीस साल लोगों के लिए आपने प्रोडक्ट बनाई है और बीस से पच्चीस साल के लोगों का जो कॉम्पिटिशन है वो ह्यूज है हर कंपनी चाहती है कि वो अपना मैसेज उन्हीं बीस से पच्चीस साल के लोगों को दिखाए तो कॉम्पिटिशन साइज इज वेरी बिग अगर आप ऑनलाइन परस्पेक्टिव में देखें तो हर बंदा ही फेसबुक को पैसे दे रहा है कि भाई बीस से पच्चीस साल के लोगों को हमारा ऐड दिखाओ तो उसके अंदर फिर ऐड जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी आपकी सेकंड साइज कि जो सेगमेंट है उसका साइज कितना है बड़ा है छोटा है अगर आपकी एक लग्जरी प्रोडक्ट है तो फिर छोटा सेगमेंट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है फोकस टारगेटिंग होगी ना आपकी एफर्ट कम लगेगी लेकिन अगर आपका एक मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट है तो फिर साइज ऑफ द सेगमेंट इज हैज टू बी बिग जो आप टारगेट करेंगे लास्ट ग्रोथ ग्रोथ के चांसेस क्या हैं उस सेगमेंट के क्या वो सेगमेंट ग्रोथ करेगा उसकी ग्रोथ हो रही है फ्यूचर uh, के अंदर उसका मोर बेनिफिट या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी उसकी बेस पे आप टारगेट कर रहे होते हैं तो आपने पंद्रह सेगमेंट्स बनाए और पंद्रह सेगमेंट में से से तीन ऐसे सेगमेंट निकले कि जिनको आपने टारगेट किया क्यों क्योंकि आप समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें जो मैंने भी आपको बताई वो फिट होती हैं उन तीनों सेगमेंट्स में और लास्ट में कॉन्सेप्ट है पी यानी कि पोजिशनिंग पोजिशन अगर मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करूँ तो उससे मुराद ये है कि वो इमेज जो आपके कस्टमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड या ब्रांड के रिलेटेड बैठ गया है अगर आप याद करें तो आपको ऐसी अक्सर कमर्शल जेन में आती हैं कि जिनके इमेज अभी तक आपके दिमाग में बैठे हुए हैं एक बिल्ली मोटी ताज़ी होती थी और मज़े से कुछ खाती थी घंटी भी होती थी उसके कान के अंदर वो कौन सी बिल्ली होती थी और वो प्रोडक्ट क्या थी आप में से जो लोग मेरी एज ग्रुप के हैं या मेरे से थोड़े से छोटे हैं वो उनको याद होगा ये मैं किस ऐड की बात कर रहा हूँ इसी तरीके से हर ब्रांड के साथ आप एक इमेज एसोसिएट कर देते हैं ये बड़ी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है लेकिन बड़ा एक्सपेंसिव ब्रांड है ये प्रोडक्ट तो मीडियाकर है लेकिन चलें प्राइस भी इसकी ठीक है तो वो जो इमेज है उसको हम पोजिशनिंग कहते हैं तो लास्ट के अंदर ये एस टी हमने करनी क्यों चाहिए वाई सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग इज़ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये कॉस्ट सेविंग आपकी बहुत ज़्यादा करता है एक है कि आपने तीर चलाया बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के आपको पता नहीं कि कौन से कस्टमर के सामने आपका वो तीर जा रहा है दूसरा तो यह कि आप बड़े फोकस तरीके से डिसाइड करते हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो किन लोगों तक अपना पैगाम लेके जाए तो कॉस्ट आपकी बहुत सेव हो रही होती है सेकेंड है इम्पैक्ट जब आपने वो ग्रुप डिसाइड कर लिया कि ये ग्रुप जो है वो मेरी ऐड को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा और प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदने के चांसेज हैं इसके तो आपका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और लास्ट में क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आप अपने हर सेगमेंट को टारगेट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं और हर स्ट्रेटजी के ऑब्जेक्टिव होते हैं जो बड़े क्लियर होते हैं और जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं तो इसका मतलब है जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी बड़े क्लियर होंगे और फिर आप अपनी परफॉर्मेंस असेसमेंट भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये जो एस का कॉन्सेप्ट है इसको अपने जहन में बिठाइए और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी मार्केटिंग वाले से बात करें तो एस टी पी से मुराद क्या है